नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने एक मदरबोर्ड का वीडियो लेकर आए हैं जो कि एक LED TV का है। तो कुछ ऐसे फॉल्ट हम लोग के सामने आते हैं कि जिसमें लेकर हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये उन कारीगर भाइयों के लिए हैं कि जो कि स्टार्टिंग में जो ज़्यादा वोल्टेज चेकिंग का नॉलेज नहीं रखते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी फेस करना पड़ता है। किसी समय में हम भी इसी परेशानी को झेले हुए हैं, तो आगे कोई और परेशानी न झेले इसलिए हम वीडियो बना के डाल रहे हैं ये। और ये परेशानी हर किसी को आता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा 30 मार रखा है स्टार्ट से ही पैदा हो जाता है, धीरे 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 हर किसी को नॉलेज होता रहता है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बोर्ड हमारे पास बनने के लिए आया हुआ था, तो इस बोर्ड में दरअसल प्रॉब्लम ये था कि इसका 5 वोल्ट रेगुलेटर IC ब्रस्ट हो गई थी। 5 वोल्ट रेगुलेटर IC इसका ब्रस्ट हो गया था। अब वो 5 वोल्ट रेगुलेटर IC जो है हमने तो निकाल दिया, और निकाल के इसमें एक मॉड्यूल लगा दिया, और ये हर कोई कर लेता बहुत आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर लगा दिया, 5 वोल्ट तो इसको मिल गया, लेकिन तब भी ये स्टैंड बाई से आउट नहीं हो रहा था। उसके बाद अभी आपको इसका वोल्टेज भी मेजर करके दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ और जानकारी आपको देंगे इसमें, जो जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक होगा ये। ये देखिए, इसमें सप्लाई हम इन कर दे रहे हैं, और एक मिनट एडाप्टर का सप्लाई लगा दें। देखिए, ये स्टैंड बाई बत्ती ग्लो हो गई है, आप देख सकते हैं ग्लो हो गई है, और वोल्टेज आपको हम मेजर करके दिखा रहे हैं। यहाँ ग्राउंड ले लिए, और देखिए अब यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, और ये 5 वोल्ट देखिए जोड़ने के लिए यहाँ पे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं हम जहाँ से 5 वोल्ट बनता है वहीं पे हम जोड़ दें इसी एरिया में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप 5 वोल्ट का टेपिंग देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 वोल्ट का टेपिंग होता है, वो पैनल वोल्टेज सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से जोड़ दीजिए, 5 वोल्ट फैल जाएगा चारों तरफ से, क्योंकि सोर्स एक ही रहता है, तो वो 5 वोल्ट उसको मिल गया। और यहाँ आपको वोल्टेज आपको देखिए 3.3 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ 1.8 वोल्ट मिल रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी फर्स्ट क्लास है, और यहाँ पे भी 3.3 मिल रहा है, फिर भी ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई से बाहर नहीं निकल रहा है। अभी आपके सामने ये रिमोट है, हम इसको ऑन करके दिखा रहे हैं, देखिए ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें एक वोल्टेज और होता है जो कि बहुत माइनर वोल्टेज होता है, और कोर वोल्टेज होता है, ये प्रोसेसर के कोर को काम करने के लिए वो वोल्टेज जाता है, वो वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट कहाँ बनता है। देखिए, स्टार्ट में हम लोग भी बहुत कंफ्यूज थे कि वोल्टेज को ट्रेस कैसे पता चले कि 1.2 वो कहाँ पर बनता है और 5 वोल्ट कहाँ पर बनता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 5 वोल्ट का IC यहाँ पर लगा हुआ था जो बर्न हो चुका है, उसके लिए कॉयल है, ये 5 वोल्ट को मैनेज करता है। और देखिए, एक कॉयल ये हो गया बड़ा साइज का, एक कॉयल आपको छोटा दिख रहा होगा, ये छोटा वाला कॉयल जो होता है वो 1.2 के लिए होता है। इस 1.2 के लिए यहाँ पे एक 5 लेग की IC लगी रहती है, IC भी यहीं निकाले हैं हम, कहाँ है IC भी यहीं के निकाले हुए हैं, क्योंकि छोटी IC होती है गुम हो जाती है निकालें, क्योंकि वो IC ख़राब है। और एक चीज़ और है कि 1.2 भी इसको स्टैंड बाई से ऑन हो या ना हो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक कोर वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये CPU ऑन नहीं होगा, प्रोसेसर ऑन नहीं होगा। अभी 1.2 को अगर ये IC ख़राब हो गया तो 1.2 नहीं बनेगा, ये IC ख़राब हो गया तो 1.2 नहीं बनेगा। इसके लिए इस IC को आप रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए बाहर, इस कॉयल पे इधर चाहे इधर किसी भी साइड में आप 1.2 का एक मॉड्यूल लगा के जंपर लगा के दे सकते हैं, आपका सिस्टम बिल्कुल ओके हो जाएगा अगर ये सही रहा तो। तो चलिए, आप हम दूसरा एक बना के इसमें लगा रहे हैं, दूसरा मॉड्यूल एक तो लगा ही है पहले से, एक और लगा के आपको दिखा रहे हैं आपको करना क्या है। और एक चीज़ और विशेष बात है कि ये हम वायर जोड़ के तैयार रखे हुए हैं, इसमें जो सप्लाई देना है वो आप 12 वोल्ट इस लाइन से ही दे दें, सबसे बेस्ट रहेगा।
अब यहाँ इसको ग्राउंड पहले दे दे रहे हैं, इसके लिए अब इनपुट कौन सा है, यहाँ पे है इनपुट। इनपुट हम 12 वोल्ट पॉइंट से उठाए थे 5 वोल्ट के लिए भी, इसको भी यहीं से उठा ले रहे हैं, इसको भी यहीं से उठा ले रहे हैं, और बच गया ये 1.2। अच्छा एक चीज़ और जानकारी देना है, जो भाई न जानते हो उनके लिए जानकारी है कि ये इसमें आप देख रहे हैं इस वोल्टेज चार्ट में कहीं 1.2 नहीं लिखा, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 वोल्ट लिखा है, 1.2 कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है डिफ़ॉल्ट आउट 1.2 वोल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई शॉर्ट नहीं करते हैं तो 1.2 वोल्ट ही यहाँ से ये निकालेगा। तो इस बात का भी नोटिस होना चाहिए आपको कि इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं देना है, आपको डायरेक्ट 1.2 यहाँ मिल जाना है, ये हमको मिल जाएगा। सबसे पहले इसको मेजर करने से पहले 1.2 लगाने से पहले हम लोग को 1.2 मेजर कर लेना चाहिए। तो यहाँ हम कनेक्ट कर दिए हैं, देखिए बत्ती जल गया है इसका, यहाँ से अंधेरा हुआ तो दिख रहा है। अब यहाँ पे बाकी सप्लाई, एक मिनट, एक फ्रीज हो चुका हमारा, होल्ड पे है, हाँ देखेंगे 3.3 बन रहा है, 1.8 बन रहा है, सब बन रहा है। और यहाँ पे आप देखिए 1.0 यहाँ पे आपके लिए दिखाई देगा, 1.28 दिखा रहा है, लेकिन जब लोड पड़ेगा तो 1.2 हो जाएगा ये। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बने रहिए। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और जो भी हम वीडियो बनाते हैं फेक नहीं बनाते हैं, भले ही छोटा बने बड़ा बने इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे एक छोटे से व्यूज़ के लिए किसी को आगे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़े। देखिए हम लोग हम इसको जुड़ चुके हैं, अब इसको हम फिर से सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये स्टैंड बाय जल रहा है, और 1.2 सप्लाई आपको चेक करके भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस सिरे पे देखिए 1.26 अब आ गया इस समय, और इसको हम ऑन कर रहे हैं। देखिए स्टैंड बाय से बाहर निकल गया, बत्ती ग्रीन हो गई, दिख रहा होगा शायद आपको, तो फिर से लाइट हम ऑफ करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रेड हो गई, फिर यहाँ से देखिए ग्रीन हो गई, तो हमारा ये पूरा सिस्टम काम करने लगा। और ये वीडियो हमारा आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।